ये वीडियो मैं फ़ोटोग्राफ़र्स लोगों के बारे में बनाना चाहता था जो कि स्ट्रीट फोटोग्राफ़र होते हैं। वो आपको हर जगह दिखाई देंगे, हर टूरिस्ट प्लेस पे, हर फेमस प्लेस पे दिखाई देंगे। स्ट्रीट फोटोग्राफ़र की लोकप्रियता हमेशा से ही रही है। आप चाहे ताजमहल चले जाओ, मुंबई चले जाओ, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज चले जाओ, के तिरुपति मंदिर चले जाओ, कन्याकुमारी चले जाओ, जहाँ पर भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर आपको फोटोग्राफर्स दिखाई देंगे। बट जब से स्मार्टफोन आया है तो हर कोई फोटोग्राफर बन गया है, हर कोई अपनी सेल्फी मिनट मिनट में निकालने लग गया है। वीडियो में खास फोटोग्राफर्स को डेडिकेट करना चाहता था, उनके पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाना चाहता था जो कि इस कोरोना के वजह से पूरा नहीं हो पाया। मैंने सोचा अब लॉकडाउन ख़त्म होगा या इस महीने ख़त्म होगा, ऐसा करते करते 4-5-6 महीने निकल गए और मेरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने सोचा जो मेरे पास है उसी को अपलोड करता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो मैंने कुछ वीडियोस निकाले थे कि फ़ोटोग्राफ़र्स किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि सर आप इस एंगल से फ़ोटो निकालिए, सर आप इस एंगल से फ़ोटो निकालिए। बस एक दो दिन ही मैं शूटिंग कर पाया था और उसके बाद ये लॉकडाउन हो गया। बट जितना भी मैंने फुटेज शूट किया था वो आज मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना, इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और ये जो रेड कलर का बटन है सब्सक्राइब का, इसे भी सब्सक्राइब कर देना, ये फ्री होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मुंबई द फेमस आइकॉनिक प्लेस गेटवे ऑफ इंडिया, इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी फ़ोटोग्राफ़र्स को ढूंढने के लिए और उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए। तो मैं डायरेक्टली यहाँ चला आया और यहाँ पर मुझे सच में बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स मिले। अब इस भाई साहब को देखिए, लाल टोपी वाले फ़ोटोग्राफ़र्स को अलग अलग एंगल में बोल रहा है कि खड़े रहिए और मैं फ़ोटो क्लिक करता हूँ। और जब मैं ये शूट कर रहा था तब एक बंदा आके फ़ोन में सेल्फी निकालने लगा, मुझे लगा कि नेटवर्क सर्च कर रहा है। और इस फोटोग्राफ़र ने तो एक से एक पोज निकालने के लिए कहा, देखते रहिए अभी आप किस तरह ये बैंड होकर फ़ोटो निकाल रहा है, हाँ ये फ़ोटो सही है, अब आप इस तरह खड़े हो जाइए। पहले इन्होंने फ़ोटो दिखा लिया और जैसे ही बंदा एग्री होता है फिर उन्हें वो दूसरे पोज के लिए खड़ा करता है कि आप इस एंगल से खड़े रहिए। यहाँ पर देखिए, ये है नॉर्मल पब्लिक, ये ताज होटल को ऊपर से पकड़ के कुछ इस तरह दिखाना चाह रहे हैं। और अलग अलग लोग अलग अलग टाइप के यहाँ से फ़ोटोज़ निकालते रहते हैं। ये बंदा भी कुछ उसी तरह फ़ोटो निकाल रहा है, ताज होटल्स के ऊपर ऐसा हाथ रखना चाह रहा है। फिर ये पोज चेंज कर रहा है, चश्मा लगा रहा है, हीरो के जैसे एक्शन दे रहा है। तो लोग भी अपने अपने पोज देते हैं और फोटोग्राफ़र्स भी उन्हें बताते रहते हैं कि इस तरह से फ़ोटोज़ निकालते रहिए। अब इस भाई साहब को देखिए, ऐसा थम्सअप दिखा रहा है और ये क्लिक मस्त आया। फिर ये दूसरे एंगल से फ़ोटो निकाल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोटोग्राफ़र्स और लोग मिल जाएंगे जो अलग अलग पोज में फ़ोटो देते ही रहते। कोई फैमिली के साथ में आता है, कोई अकेले आता है, कोई सोलो आता है, ऐसे दिन भर ना जाने कितने सारे लोग आते हैं। जब मैंने फ़ोटोग्राफ़र्स को पूछा कि आप दिन भर में से कितने सारे लोगों को अप्रोच करते हैं फ़ोटो निकालने के लिए, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई हिसाब नहीं है, हज़ारों में लाखों में लोगों को हम लोग पूछते हैं, कोई एग्री होता है कोई एग्री नहीं होता है। इस डॉक्यूमेंट्री में एक और फोटोग्राफ़र था, जेके यात्रा, यानी कि मैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट्री को फिर कभी पूरा करेंगे आने वाले अच्छे टाइम पे। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए बिहाइंड द सीन के साथ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करते जाना।